फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू की टिकिया बनाने चल रहे हैं। तो ये आलू हमने बॉयल कर लिया है, ये हम ऐसे मीज ले रहे हैं, फोड़ ले। अब इधर हमने लिया है मिर्चा, अदरक, लहसुन, इसको कूट लिए हैं। ये हमारा बारीक कूटा हुआ मिर्चा है, ये पचफोड़न है छोटा चम्मच। धनिया, ये हमारा मसाला है, तो हमने अमचूर पाउडर लिया है, दम आलू मसाला और हल्दी पाउडर। अब इसको चल रहे हैं फ्राई करने। ये हमारा पैन गरम हो गया है, तो इसमें हम तेल डाल रहे हैं, सरसों का तेल है। अब हम इसमें बस फोड़न को डालेंगे। ये लहसुन मिर्चा जो दरबरा कुटा हुआ है इसको डालेंगे। ये ब्राउन हो गया, अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू हमने पहले से मैश करके रखा है। ये मसीन में मसाला मिला रहे हैं हमारा जो है, हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला दे रहे हैं। हरी धनिया मिला रहे हैं। ये हमारा अच्छे से मिल गया है। हम इसको निकाल लेते हैं, इसके बाद बेसन को घोलते हैं। ये बेसन को हम चाल लिए हैं इसमें। अब इसमें हम हल्दी मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक। इसको हम गाढ़ा घोल बनाएंगे, पतला नहीं बनाना है हमको। ये हमारा घोल रेडी हो गया है, इसको हम रख देते हैं। देखिए गाढ़ा है, ज़्यादा पतला नहीं किए हैं, इसको रख देते हैं, तब से सेट होता रहे। इधर हम चटनी बना लेते हैं। तो ये मिर्चा लिए हैं हरा, ये धनिया है, टमाटर, लहसुन, अदरक, इसको हम पीस लेते हैं, चटनी बना के तैयार कर लेते हैं तब से। ये आलू को हम गोला गोला करके रख ले रहे हैं इसको। अब इसको बेसन में लगाएंगे, हो रहा है गरम हो रहा है, तो इसको हम बेसन में लगाएंगे। हल्का सा ये हम चपटा कर लिए हैं इसको, इस तरीके से हम बेसन में अच्छे से लगा के डाल दे रहे हैं। इस तरह सभी को हम फ्राई कर रहे हैं। ये हम पलट दिए हैं, हल्का एक तरफ ब्राउन हो गए तो पलट दिए। इसको दोनों तरफ अच्छे से हम पलट के पका लेंगे, इसके बाद प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये टिकिया हमारी देखिए बन के रेडी हो गई है। ये हमारी आलू की टिकिया बन के रेडी हो गई है। और इधर हमने हरी हरी चटनी बनाई है टमाटर की, ये बहुत टेस्टी आती है इसके साथ। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।